बात करेंगे राजस्थान के अजमेर की, जहां देर रात एक दुल्हन ने घर के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। युवती शादी टूटने के कारण परेशान थी। अगस्त में शादी होनी थी। सुसाइड करने से पहले दुल्हन ने एक पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका मंगेतर है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। साथ ही उसने ये भी लिखा कि उसकी मौत के सारे सबूत उसके मोबाइल में हैं। दरअसल दुल्हन बनने जा रही युवती ने अपनी सगाई की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पर एक लड़की का उसके पास मैसेज आया कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। वही लड़की ने दुल्हन को लड़के से दूर रहने की धमकी दी। जब लड़के के परिवार वालों को सच्चाई बताई गई तो उन्होंने भी रिश्ता तोड़ दिया। सुसाइड नोट और मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। थाने के इंस्पेक्टर देवाराम जाट ने बताया कि 4 जुलाई को कंचन नगर दौड़ाई की निवासी पूजा पुत्री गोविंद राम रेगर ने घर के कमरे में रस्सी से पंखे पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोग पूजा को लेकर JLN अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं रामगंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए JLN अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। मंगलवार को रामगंज थाना पुलिस ने मृतक पूजा का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को ही सुपुर्द कर दिया। मामले में सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि मृतक पूजा ने सुसाइड करने से पहले एक पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका मंगेतर सुधीर नोगिया है, जिसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड नेहा गुप्ता भी शामिल है। मृतक के भाई राकेश ने बताया कि 2 साल पहले खानपुरा निवासी सुधीर नोगिया से पूजा का रिश्ता तय हुआ था। अगस्त में दोनों की शादी होनी थी, लेकिन सुधीर का परिवार शादी को 6 महीने आगे बढ़ाने को कह रहा था। कुछ दिनों पहले पूजा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सुधीर की कुछ फोटो शेयर की, जिस पर सुधीर की गर्लफ्रेंड नेहा गुप्ता ने उससे कॉन्टेक्ट किया, जहाँ पता चला कि सुधीर के नेहा से संबंध है, जिसके बाद से नेहा गुप्ता पूजा को परेशान करने लगी और सुधीर से दूर रहने की धमकी देने लगी। वहीं परिवार वालों को जानकारी दी गई तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद देर रात पूजा ने कमरे में सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी मंगेतर सुधीर की इलेक्ट्रिशियन शॉप है, तो वहीं युवती 12th पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। और हमें कानून पे पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि भैया जो भी पूजा के मरने के लिए उकसाने वालों पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। धारा 306 IPC में प्रकरण दर्ज कर मन थानाधिकारी रामगंज देवाराम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अभी मोर्चरी पे हूँ, मर्तिका का PM करवा रहा हूँ।